चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इससे जो है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में देखिए आपका, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है ओमेगा टू द पावर 13। ठीक है, ओमेगा टू द पावर 13 आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालिएगा इसको? तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब ओमेगा 3 जो होता है आपका वो क्या होगा, ओमेगा 3 का वैल्यू आप लोग पता है, प्रोडक्ट जब हम लोग फाइंड करते थे तो 1 गुना ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आता था आपको, ओमेगा इसी को ओमेगा क्यूब बराबर आता था 1, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 पे पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। चलिए इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन एक देख लेते हैं किस तरह के आते हैं यहाँ पे। तो एक एग्जांपल आपका सेकेंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर था। तो सेकेंड नंबर एग्जांपल में आपको जो है प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जाए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो पता ही इमेजनरी नंबर है, तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है 3 + 3 ω + 5 ω² / 6 − 2 + 6 W + 2 W² / 3 = 0। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो वैल्यू है आपका वो 0 होगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको। इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 3 + 3 W + 5 W² ठीक है, इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3 W² + यहाँ पे 2 W² 3 और 2 जोड़ के 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस पे पावर 6। इस तरह हम लोग क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ सीधे हम 3 कॉमन ले लें तो देखिए 1 + W + W² आ जाएगा और उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको इस टर्म में लिखे हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लेते हैं, इधर आपका क्या बच जाता है, आपका यहाँ पे बच जाता है 2। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, 2 है 6 है, और तो इसको भी हमको क्या करना है यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2W लिख सकते हैं इसको, फिर हमारा क्या लिख सकते हैं 4W लिख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट में हमारा 2W² उसके पावर 3 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नीचे फिर से। तो यहाँ पे जो है हम लोग 3 जो है कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 1 + W + W² है ना, प्लस इधर आपका रह गया 2W² / 6। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा इधर वाला। फिर इसको करेंगे सेम उसी तरह से, यहाँ पे भी आपका 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 बच गया प्लस W हो गया, और यहाँ पे W² हो गया, और आपका प्लस 4 जो है 4W बच जाता है, उसके ऊपर पूरे पे पावर आपका 3। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 1 + W² इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2W² उस पर होल पावर आपका 6। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे आ गया, और इधर हो गया आपका कितना, ये भी आपका 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर इसका 0 हो गया प्लस 4W इस पर पावर हो गया 3। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से गुना होगा 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच गया आपका क्या, यहाँ पे 2W² / 6 - यहाँ पे हो गया 4W / 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 पे पावर आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो गया, और W पे पावर 12 हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, 4 पे पावर 3 हो गया, और W पे पावर 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 पे पावर जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व कीजिए आपका, ये हो गया 8 64 है ना, ये हो गया आपका 64 आ जाएगा, और W पे पावर आपका यहाँ पे इस पर 3 × 4 कर सकते हैं इसको, और माइनस यहाँ पे 4 पे पावर 3 W³ है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका ये 64, और W³ का मान जानते हैं हम लोग कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, और इधर माइनस हमारा 4 पे पावर, ये 4 3 × 64 हो जाएगा, और ये फिर 1 हो जाएगा है ना। तो 64 - 64 कितना आया, 0 आया। तो
इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है और उससे किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह के वीडियो जो है वो आगे भी मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।